सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान। आइए जान लेते हैं 11 नवंबर 2023 का राशिफल। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में भी आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। आज आप खुशी का अनुभव करेंगे और आज आपका समय अच्छा बीतने वाला है। व्यापार में आज आप उन्नति करने वाले हैं। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक तो थोड़ा खराब भी रह सकता है। आज आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आज आपको मिलने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आज आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और आज आप पर किस्मत भी मेहरबान हो सकती है। आज आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। इसके साथ ही आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आज आपको अपने परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और संतान की हर ख्वाहिश आज आप पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। ऑफिस में आज आपको खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो आज आपका मन पढ़ाई से हट सकता है, इसीलिए आज पढ़ाई पर ध्यान दें। आज आपको लाभ होने वाला है, लेकिन आज आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही आज आपको अपने बनते बिगड़ते रिश्तों का भी ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों, आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन ठीक ठाक बीतने वाला है। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आर्थिक समस्याओं का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। जहां तक बात आपके व्यापार की है तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। आज आपके सहयोगियों से आपके व्यापार में जो है वो काफी उन्नति देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों, संतान की ओर से आपका मन आज संतुष्ट रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा है। व्यापार में उन्नति आज आप प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार का आज आपको विवाद नहीं करना चाहिए। आज आपको सभी का मान सम्मान करना चाहिए। आज आपको काफी ज्यादा कार्य करना पड़ सकता है, जिस कारण से आपको जो है थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अधिक मेहनत के कारण आज आपको थकान जरूर होगी, लेकिन आगे चलकर आपको इसका फल भी मिलने वाला है। इसके साथ ही सिंह राशि के जातकों, आज आपको माता दुर्गा को कच्चा नारियल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होंगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। धार्मिक कार्यक्रमों में आज आप भाग ले सकते हैं। आज आपके मन को शांति मिलेगी और आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। आज ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। और आज आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आज आपको मिलने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, दिन अच्छा है आपका। आज नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको अधिक कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन आज आपका मन शांत रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। इसके साथ ही आज आपके घर में खुशियां आएंगी और आज आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा है। प्रेमी जातकों की बात करें तो आज प्रेमी जातक एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपकी शादी की बात भी आपके घर में चल सकती है। किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर आप काफी खुश रहेंगे। इसके साथ ही आज आपका मन संतुष्ट रहेगा और आगे चलकर आपको कोई खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है, जिससे आप काफी प्रसन्न होंगे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी चुनौती भरा रह सकता है। आपको आज कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आज आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही धनुराशि के जातकों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको जो है योजनाएं बनानी चाहिए। धनु राशि के जातकों, नौकरी करने वाले जातकों की अगर आप बात करें तो धनु राशि के वैसे जातक जो कि नौकरी करते हैं, आज उनका प्रमोशन हो सकता है और आज आपके माता पिता आपकी तरक्की से काफी ज्यादा खुश होंगे और आपका भी मन आज काफी प्रसन्न रहेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आज आपको पैसे के लेन देन करने में ऑफिस में बचना चाहिए। किसी को आज उधार नहीं देना चाहिए। मकर राशि के जातकों, आज आपको तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको आज लाभ भी प्राप्त हो सकता है, व्यापार अच्छा चलेगा। इसके साथ ही आज आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर हवन इत्यादि कर सकते हैं और आज आपको काफी ज्यादा जो है वो इससे मन को शांति मिलेगी। आज आपका परिवार भी आपके हर मोर्चे पर आपका साथ देगा और इसके साथ ही आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। इसके साथ ही आज मकर राशि के जातकों, आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपका दिन आज अच्छा है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपका व्यापार अच्छा चलने वाला है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। आज दिनचर्या पर जो है काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप काफी मेहनत करेंगे। पढ़ाई में आज आपको ध्यान लगाना चाहिए और इसके साथ ही किसी भी कार्य में आपको जो है आज मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आपको मेहनत से ही सफलता मिलने वाली है। आज आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं और आज आपके मन में संतुष्टि का भी भाव रहेगा। जीवन साथी के साथ आज किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है, इसीलिए किसी छोटे बात को ज्यादा जो है आज बढ़ा चढ़ा कर ना बोले या फिर विवादों से आज आपके लिए दूर रहना काफी अच्छा रहेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके सामने नहीं आएगा। इसके साथ ही मीन राशि के जातकों, आज आप समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रयासरत रहेंगे।
रहेंगे। मीन राशि के जातकों, आज आपको अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए रिश्तेदारों की मदद भी लेनी पड़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगा रहेगा। इसके साथ ही आज आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है और आज कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा ही बीतेगा। तो दर्शकों, यह था 11 नवंबर 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।